हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी एक हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड हमें फाइंड करना है। आगे बोला था डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। यानी इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे गिवन है? क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वही क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 में जो भी हमको गिवन डाटा है उसी डाटा का यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है और हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए वहां पे जो फोर्स निकाले थे ये हमारा इतना था और रेडियस दिया हुआ था 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्या था? हम लोग एक प्रोटॉन लिए थे और ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका स्पीड कितना है? लेट भी है। क्लियर है, और जिस सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस कितना मान लिया हम लोग? आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है इसका मतलब है कि उस पर दो तरीके का फोर्स लग रहा है। क्लियर है, अब देखिए पहला जो फोर्स है ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर है, अब देखिए अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो अंदर की तरफ क्या होता है? एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स को। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरा फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच काम कर रहा है वो बैलेंस कर रहा है किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, यानी स्टूडेंट देयरफॉर एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ सी। क्लियर, अब ये एफ ई कितना होगा? तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एफ सी कितना होगा? तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए ये फोर्स तो हम ऑलरेडी पहले से निकाल के रखे हुए तो ये डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 8.202 इंटू 10^-8 इक्वल टू एम की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन 9.1 इंटू 10^-31 इंटू वी स्क्वायर। वी हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकाला है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर कितना हो गया? देखिए 0.53 इंटू 10^-10। ठीक है, तो भी को इधर ले आते हैं तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.202 इंटू 10^-8 इंटू 0.53 इंटू 10^-10 अपॉन 9.1 इंटू 10^-31। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, भी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं पहले 53 और 82 को। ठीक है, तो 2 3 6 2 5 10 इंटू 8 3 24 का 4 हैंड में 2 8 5 40 और 2 42 है ना, तो 6 4 3 4। क्लियर है, तब देखिए 3 डेसिमल आगे आ जाएंगे यहाँ तक तो 4.346 इंटू 10^ क्या हो गया? -10 और -8 कितना हो गया? -18 अपॉन 9.1 इंटू 10^-31। क्लियर है, चलिए अब इसको बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए भी निकालना हमें तो रूट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रूट के अंदर सारा चला जाएगा 4.346 इंटू 10^-18 अपॉन 9.1 इंटू 10^-31। क्लियर, देखिए तो भी इक्वल टू अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 4.346 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10^। देखिए -18 है और यहाँ पे क्या है? -31। तो जब ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा? +13 बचेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद देखिए भी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 0.477 इंटू 10^13। ठीक है, तो एक डिजिट इधर ले जाते हैं आगे, तो एक डिजिट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4.77 इंटू 10^12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू अब यहाँ से 6 आ जाएगा यानी 10^6। ये हमारा क्या आ गया स्टैंड? वेलोसिटी। क्लियर स्टैंड,